ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। जयपुर ग्रामीण से लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी हमारे साथ अनिल चोपड़ा जी मौजूद हैं। नामांकन दाखिल कर दिया, कितनी बड़ी चुनौती मांगते हो? आज जयपुर ग्रामीण की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से मैंने मेरा नामांकन कर दिया और निश्चित रूप से मैं चुनौती इसलिए नहीं मानता कि मैं पिछले 10 साल से जयपुर ग्रामीण के प्रत्येक व्यक्ति 3600 कौम के लोगों के सुख दुख का हिस्सा बन रहा हूं। जहां भी उन्हें मेरी उपयोगिता महसूस होती है उनके बीच में रहता हूं। छात्र राजनीति से निकलकर जब 2014 के अंदर मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था, तब से मैंने युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए काम करना प्रारंभ कर दिया था। निश्चित रूप से उसी की बदौलत देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुझे 31 साल के नौजवान को मौका दिया है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि मैं जयपुर ग्रामीण के सभी मतदाताओं के आशीर्वाद से हम जयपुर ग्रामीण की सीट जीतने जा रहे हैं। जयपुर ग्रामीण का किला भाजपा का गढ़ कहा जाता है, उसको भेदना बहुत बड़ी चुनौती। देखिए, निश्चित रूप से मैं आपको इतना कह सकता हूं कि पिछले 2 बार से भी यहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं और देश के अंदर मोदी जी की सरकार रही है, लेकिन जयपुर ग्रामीण निश्चित रूप से विकास से अछूता रहा है। जयपुर ग्रामीण में विकास के ऐसे कोई काम नहीं हुए, उसी का नतीजा है कि वहाँ के वर्तमान सांसद को अपनी सीट छोड़कर जाना पड़ा और नए प्रत्याशी को लाना पड़ा। निश्चित रूप से जयपुर ग्रामीण में इस बार बदलाव होगा। नौजवानों ने, किसानों ने यह ठान लिया है कि जयपुर ग्रामीण के अंदर हमारे बीच के व्यक्ति को, जयपुर ग्रामीण के स्थानीय व्यक्ति को हम मौका देंगे और हम सब, हमारे 3600 कौम के लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम ये जयपुर ग्रामीण की सीट। लेकिन आपके ही नेता लालचंद कटारे भी जा चुके हैं भाजपा में, अभिषेक चौधरी भी साथ है, विधानसभा चुनाव इन्होंने लड़ा। देखिए मैंने बताया कि हाँ, भारत नौजवानों का देश है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हमेशा नौजवानों को, किसानों को मौका दिया है। मैं किसान परिवार से आता हूँ, अभिषेक भाई किसान परिवार से आते हैं, हमारे जैसे लोगों को, इन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ाया, मुझे लोकसभा का टिकट दिया। ये काम एक कांग्रेस पार्टी कर सकती है, कांग्रेस पार्टी का ही ध्येय होता है कि किसान के बेटों को आगे बढ़ाया जाए। निश्चित रूप से हम सब कांग्रेस की अपेक्षाओं पे खरा उतरेंगे और जयपुर ग्रामीण की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से हम विकास और विजय की ओर अग्रसर होंगे। देखिए अनिल चोपड़ा जो कि कह रहे हैं कि जयपुर ग्रामीण के जो जनता है वो उन्हें चुनकर संसद भेजेगी। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर राजस्थान तक।